वेलकम टू फेवरेट चैनल हंगरी मॉन्स्टर। और हर हंगरी मॉन्स्टर को चाइनीज खाने का मन हुआ और बीटीएम में ये सिंह नाम नाम क्या फिर से बताना, सिंह कबाब वाला बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा, मतलब कितने सालों से यहाँ पे है। हम लोग यूजुअली इनका चाइनीज ट्राई करते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, रीजनेबल प्राइस में बहुत ही टेस्टी चाइनीज आइटम यहाँ पे मिलती है, तो इसलिए हम आपको यहाँ लेकर आए। आज हम खाने का रिव्यू भी दिखाते हैं, लोकेशन समझाते हैं। अगर आप उडुपी गार्डन से स्ट्रेट आ रहे हो तो वहां से सीधा आ जाओ, स्वादिष्टा हार की लाइट क्रॉस कर दो, सीधा आते 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 नन्नी डेयरी से पहले ऑपोजिट टू ये केक ऑफ द डे है, वहां से ऑपोजिट आगे मेट प्लस के ऑपोजिट ये भैया है जहाँ पे इनका ये स्टॉल है। तो दिखाते हैं इनके पास क्या क्या आइटम्स है, चाइनीज या प्योर चाइनीज है, वेज नॉन वेज दोनों रहेगा। मेन्यू उधर है, भैया मेन्यू कार्ड का है आपका? अच्छा, मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है इनका, सो जिसमें आप देख सकते हैं प्राइजेस कितने रीजनेबल हैं। वेज फ्राइड राइस साइड पर, वेज फ्राइड राइस, गोभी फ्राइड राइस, ये मेन्यू आप पॉज करके इनका चेकआउट कर सकते हैं, एकदम रीजनेबल प्राइस में है। और इनके पास ऊपर भी दिखा दो, ये मेन्यू है इनका प्रॉपर, इनका नंबर भी है। भैया कैटरिंग सर्विस भी लेते हो? कैटरिंग आ जाओ। सो भैया टाइमिंग क्या क्या है आपकी? 1 o'clock से आफ्टरनून 1 o'clock से 10:30 और फुल डेज रहता है लाइक। तो यहाँ पे सेटअप दिखा दो, कितना अच्छा सा सेटअप किया हुआ है, छोटी सी जगह पे प्रॉपर क्लीनिनेस का ध्यान दिया हुआ है। और वेज और नॉन वेज के लिए इनके पास अलग कढ़ाई है, सब कुछ अलग, तो जो वेज है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और डेली का कितना भी यार निकल जाता है आपका चाउमिन मोटो? पाँच छह किलो चाउमिन डेली का हो जाता है। और सबसे ज्यादा सेलिंग क्या प्राइस, क्या आइटम सेलिंग है सबसे ज्यादा? ज्यादा एग फ्राइड राइस और गोभी और कबाब। एग फ्राइड राइस, गोभी, कबाब सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग है, सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग है। तो आज हम लोग ट्राई करते हैं, एक वेज चाउमिन कर दो हमारे लिए, एक गोभी फ्राइड राइस कर दो। हाफ प्लेट है तो हाफ प्लेट कर देना, क्योंकि हम दोनों इतना खा नहीं पाएंगे। तो अभी आप प्रिपरेशन चेक कीजिए। हाँ, पूरी पूरी प्लेट कर दो भैया, गोभी फ्राइड राइस और वेज चाउमिन। तो अभी पहले क्या बना रहे हो भैया? पहले वेज चाउमिन बन रही है। तो भैया ने प्याज डाले, ये सारी वेजेस कटी हुई पड़ी होती है भैया के पास ऑलरेडी। टेस्टिंग पाउडर नहीं यूज करता। अच्छा, कोई भी टेस्टिंग पाउडर यूज नहीं करता, सब ऑर्गेनिक और मतलब एकदम फ्रेश चीजें रहती है। ग्रीन चिली सॉस है ना? तो ये नूडल्स जा रहे हैं बंदे, बॉइल्ड पड़े होते हैं नूडल्स इनके पास। इसका क्या प्राइस है भैया वेज चाउमिन का? तो देखिए कितने रीजनेबल प्राइस में बैंगलोर के अंदर आपको फ्राइड नूडल्स मिल रहे हैं 40 रुपीज में, मसाले जा रहे हैं। तो किसी को स्पाइसी चाहिए और मीडियम स्पाइसी, सब आप करके देंगे, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। विनेगर गया और ये गया सोया सॉस। इसमें पार्सल करना तो अलग चार्जेस है उसका, या चार्जेस नहीं है पार्सल का? पार्सल का कोई भी चार्जेस नहीं है, वो एक अच्छी बात है, जो लोग लेते हैं पार्सल के चार्जेस, बट यहाँ पे वो भी नहीं है, तो वेरी गुड। देखिए तो चाउमिन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। हाँ, यहीं पे तो प्लेट पे देखिए प्लास्टिक की शीट रहेगी, जिसमें एक और हेल्दी चीज़ है, कोई रीयूज नहीं है वो प्लास्टिक। सो ये आ गया हमारा वेज नूडल्स, अभी गोभी फ्राइड राइस, अब इसके बाद गोभी फ्राइड राइस बनेगा। सो अभी ऑयल डाल दिया गोभी फ्राइड राइस के लिए। आई थिंक प्रिपरेशन स्टार्टिंग में सेम ही रहेगी,
और वो गोभी मंचूरियन रेडी रहता है ना भी आपके पास? वो रेडी करके डालना, इससे मिक्स करना है। अच्छा, सामने गोभी मंचूरियन रेडी है तो वो ये भी फ्राइड राइस में डलेगा। चाव आई थिंक राइस भी बॉईल ही रखे होंगे आपने। कितने ईयर्स है अभी आपकी शॉप यहाँ पे? कितना ईयर्स है यहाँ पे? इधर से 3-4 साल से। 4 साल से। और कोविड के बाद क्राउड कैसा है, मतलब बढ़ गया या अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, मैनेजेबल है। पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ। लॉकडाउन के बाद कम हो गया। ये आ गए मस्त राइस और इसके अंदर आई थिंक अब जाएगा गोभी, ये मसाले जाएंगे। अच्छा ग्रीन चिली सॉस, विनेगर एंड सोया सॉस। एकदम देसी चाइनीज स्ट्रीट फूड। और आई थिंक अब इसके अंदर गोभी आएगा। ये क्या है? मंचूरियन ग्रेवी। ओके इसको क्या प्राइस है भैया? 80 है। ओके तो चाउमीन 40 था, इसका 80 है। ऊपर से गए स्प्रिंग अनियन। क्वांटिटी देखिए फ्रेंड, एक प्लेट में मैं 2 स्पून रख देना। Can I dive deep into the darkness in your heart? Trust you more. Don't care who you are or who you want to be. I'll be here until the day that you leave me. फ्रेंड्स ये मैंने ले लिया अभी पहले वेज नूडल्स, तो ये 40 रुपीज़ की प्लेट है। क्वांटिटी देखिए एकदम वर्थ है, तो मैं ट्राई करती हूँ। एकदम देसी चाइनीज है, स्पाइस हल्का सा हायर लेवल पे है, बट अगर कम करना तो वो करवा सकते हैं, बट मुझे बहुत पसंद आया। ऑथेंटिक चाइनीज फूड है, तो एक बाइट और दूंगी, तो बहुत टेस्टी लग रहा। अभी बारी आती है गोभी फ्राइड राइस की, तो इसका प्राइस है 80 रुपीज। मेरा क्वांटिटी चेक कर सकते हैं इतनी अच्छी क्वांटिटी में। तो पहले मैं एक बार ड्राइस राइस लेती हूँ, फिर गोभी लेती हूँ। ये नेक्स्ट लेवल है। नूडल्स हमने बहुत बार खाया बट ये बहुत अच्छा है, बट ये एक अलग ही लेवल पे अच्छा लगा मुझे। मुझे गोभी फ्राइड राइस हर जगह पसंद नहीं आते, बट ये बहुत टेस्टी है। गोभी
एक नंबर, जब भी आप बीटीएम में आए सेकंड स्टेज में, अगर वो चाइनीज ऑथेंटिक चाइनीज खाने का मन करे आप स्टॉल डाल सकते हैं और इनकी हेल्थी कर सकते हैं। इनका हेल्थी प्रोटीन का ऑलरेडी बहुत सेलिंग में है, बट फिर भी आप यहाँ पे आइए, इनका हेल्प कीजिए और हम दोनों अभी मैं और मोटे ही ख़त्म करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी नए ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड से शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे हंग्री मॉन्स्टर को और जल्दी आते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।